एक बार की बात है, एक बहुत घना जंगल था, उसमें बहुत सारे तरह तरह के जानवर रहा करते थे। उनमें से कुछ जानवर पेड़ पौधे खाते थे और कुछ अन्य जानवरों को खाते थे। उस जंगल में एक छोटा सा सांप अपने बिल में रहता था। वह चूहों, बतख जैसे छोटे छोटे जानवरों को खाता था। वह बड़े जानवरों से डरता था, इसलिए वह सिर्फ छोटे जानवरों को ही अपना शिकार बनाता था। धीरे धीरे वह बड़ा होने लगा। अब शरीर के साथ साथ उसकी भूख भी बढ़ने लगी थी। ऐसे में वह एक दिन में बहुत सारे छोटे छोटे जानवरों को खा जाता था। वह सांप चींटियों को, उनके अंडों को, चूहों को, आदि अन्य जानवरों को खाया करता था। अपना खाना खाने के बाद वह अपने बिल में घुस जाता था और सोता रहता था। जंगल के सभी जानवर उससे परेशान रहने लगे थे। धीरे धीरे समय बीतता गया और सांप का शरीर और भी बड़ा होता चला गया। अब तो उसे अपने बिल में घुसने में भी मुश्किल होने लगी थी। कभी कभी तो वह अपने बिल में ही फंस जाता था। ऐसे में वह अपने बिल को छोड़कर दूसरे बिल की तलाश में इधर उधर भटकने लगा था। रेंगते रेंगते वह एक बरगद के पेड़ के पास जा पहुंचा। उसने वहां देखा कि वहां बहुत सारी चींटियों ने एक बहुत बड़ा बिल बनाया हुआ था। सांप ने सोचा, यह बिल मेरे लिए बहुत सही रहेगा, यह बड़ा भी है और मेरे शरीर के लिए बढ़िया भी है। यह सोचकर वह चींटियों के पास गया और उनसे बोला, अब से इस बिल में मैं रहूँगा, तुम सब यहाँ से चले जाओ, यह बिल अब से मेरा है। बरगद का पेड़ बहुत पुराना और बड़ा था, उसमें एक साथ बहुत से जानवर रहते थे। जब उन्होंने सुना कि वह सांप यहाँ रहना चाहता है तो वे सब डर गए। सबने सोचा कि कैसे भी यह सांप यहाँ से चला जाए। चींटियों ने जैसे ही सांप की ये बात सुनी तो वे गुस्सा हुए और सबने मिलकर एक साथ सांप पर हमला कर दिया। चींटियों ने सांप के शरीर को पूरा ढक दिया और वे सब सांप को काटने लगे। ऐसे में सांप डर से झटपटाने लगा और बहुत जल्दी वहाँ से भाग गए। इस तरह छोटी सी दिखने वाली चींटियों ने भी एक बड़े से जानवर को भगा दिया।